जैन फ्रेंड्स, डिफेंस की एक न्यू रिक्रूटमेंट के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जो कि निकली है पायनियर क्रॉप स्क्रीनिंग सेंटर का, जो बेंगलोर कर्नाटका में निकली है। इसमें आपकी चार ट्रेड पर आपकी वैकेंसी निकली गई है। आपकी इक्विपमेंट रिपेयर की, ऑब्वियस अदर की आपकी एक वैकेंसी रहने वाली है, सेफ़ की इसमें एक वैकेंसी रहने वाली है, मैसेंजर की एक वैकेंसी रहने वाली है, हाउसकीपर की आपकी ओबीसी की एक वैकेंसी रहने वाली है। आपके टोटल चार वैकेंसी रहेंगी। इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो इक्विपमेंट रिपेयर में आपका 10th पास तथा आपको जो भी लेदर वगैरह का रिपेयर करने का पूरा ज्ञान होना चाहिए। सेफ में आपको 10th पास तथा आपको जो भी इंडियन कुकिंग फूड है उसका पूरा ज्ञान होना चाहिए। मैसेंजर में आप 10th पास हैं तो फॉर्म को फिल कर सकते हैं। हाउसकीपर में 10th पास है तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। 18 से 25 साल आपकी एज रहने वाली है। ओबीसी के लिए 18 से 28 रहेगी आपकी। इसमें एज आपके जो भी डॉक्यूमेंट है वो उनको जो दिया गया फॉर्मेट के अनुसार आपको इस एड्रेस पे भेजना होगा। इसकी लास्ट डेट आपको 22 तारीख रहने वाली है। इसका फॉर्मेट मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आपको एक इनलॉप भेजना होगा जो भी को लेटर के लिए, रजिस्ट्री के लिए। तो आप इसमें 22 रुपये की डाक टिकट लगा के आपको भेजना होगा। लेटेस्ट फोटोग्राफ एक एप्लीकेशन पे चिपकाना होगा और उसमें जो भी जोरोक्स हैं, जो भी क्वालिफिकेशन के, एज की, कास्ट के, एक्सपीरियंस के, वो सेल्फ अटेस्टेड आपको भेजना होगा। टू कॉपी ऑफ लास्ट टेस्ट फोटोग्राफ आपको जिसमें एक एप्लीकेशन पे चिपकाना है, एक आपको साथ में भेजना होगा। और आपको आधार कार्ड की फोटोकॉपी भी आपको साथ में भेजने की, जो भी डॉक्यूमेंट है वो सेल्फ अटेस्टेड जरूर करना होगा आपको। और इसके बाद में एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं और इसमें किस कारण आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। तो विदाउट सिग्नेचर के एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकता है। और एडवर्टाइजमेंट के अनुसार जो भी फॉर्मेट दिया उसमें आप यदि नहीं डालते हैं तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। एप्लीकेशन यदि ड्यू डेट के बाद में पहुंचती है तो आपका रिजेक्ट हो सकता है। इनकम्प्लीट और एलिजिबल एप्लीकेशन डालते हैं, इनएलिजिबल डालते हैं तो लास्ट फोटोग्राफ नोट पेस्टेड नहीं करते हैं सही से और सेल्फ अटेस्टेड नहीं करते हैं, सारे डॉक्यूमेंट साथ में नहीं लगाते हैं, तो आपका जो भी फॉर्म है रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और इसमें शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही आपको रिटर्न टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। आपका ये फॉर्मेट देख सकते हैं, इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है, ये फॉर्मेट के अनुसार ही आपको फॉर्म भेजना है। इसमें आपकी एक फ़ोटो चिपक जाएगी, उसमें सेल्फ अटेस्टेड होगी, उसके बाद में नाम आ जाएगा, फादर्स नेम आ जाएगा, सेक्स मेल में फीमेल जो भी है आपका आ जाएगा। इसके बाद में आप डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, आपका जो प्रजेंट जो एप्लीकेशन डेट की 22 तारीख है उसका, जो भी आप प्रजेंट डेट में मेटेरियल असिस्टेंट जो भी आप है, मेरिड है, मेरिड है, नेशनलिटी, रीजनल कास्ट, ओबीसी, एससी, एसटी है, जो भी हैं आप, वो आ जाएगा। उसके बाद में कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, एजुकेशन क्वालिफिकेशन आ जाएगी आपकी। एडिशनल यदि आपकी कोई लैंग्वेज वगैरह के बारे में आपको पूछा गया है, जो भी आपको लिखना राइट करना जो भी आती है उसके बारे में आप बता देंगे। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज का है, या एक्सपीरियंस रखते हैं, या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्टर नंबर वगैरह है तो आप, और साथ में आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाते हैं उसकी लिस्ट में आप मेंशन कर देंगे क्या क्या डॉक्यूमेंट आपने लगाया, नीचे सिग्नेचर आपके आ जाएंगे। और यदि इससे संबंधित कोई क्यूरी है तो आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। डिफेंस से संबंधित ऑल जॉब्स के लिए आपको भी स्टडी मटेरियल टेलीग्राम पर उपलब्ध करवाया जाता है और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका फॉर्म भी वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं, देख सकते हैं। धन्यवाद।